प्रियंका, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी टॉप 5। बिल्कुल आज बारिश का मौसम है, हर जगह पानी ही पानी भरा है, लेकिन भाई आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से उसी समय उसी वक्त लेकर हाजिर है आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी टॉप 5, क्योंकि हम नहीं चाहते धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन आपकी खबरें आपसे मिस हो जाए। इसीलिए आज की भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हलचल मची है, किस हीरो की फिल्म रिलीज हुई है, किस हीरो के गाने ने कोई नया रिकॉर्ड बनाया है, ये सारी खबरें सारी जानकारियां आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूं अपने इस टॉप 5 के प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी ये पांच बड़ी खबर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा और दर्शकों के बीच अपनी गायकी से खास पहचान बनाने वाले एक्टर और सिंगर प्रमोद प्रेमी से जुड़ी कोई ना कोई नई फिल्म आए दिन निकलकर सामने आती ही रहती है। कैसी ही फिल्म हाल ही में सामने निकलकर आई है जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम है बालू घाट, जो सालों पहले बनकर तैयार थी, सिर्फ एक गाने के कारण रुकी थी। तो आइए जान लेते हैं क्या कहते हैं इस फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट। हाँ, मुंबई में वेव एंड फ्रेम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ है, बहुत सुंदर। जो सिंगर आपके सामने बैठे हुए हैं, सिंगर और सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी यादव जी, इन्हीं की फिल्म है बालू घाट। इनके बगल में बैठे हुए हैं आकाश सिंह जी, जो इस फिल्म के साइड मेन लीड उनका भी है, इधर देखिए। तो आज कई सारे गीतों का रिकॉर्डिंग हुआ। प्रमोद प्रेमी जी बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत बड़ा नाम है और स्टारडम सर पे घूम रहा है, लेकिन चेहरे पर नहीं है, चेहरे में अभी भी सादगी है शायद धीरे धीरे और बहुत अच्छे विचार के हैं। ये हमारे लिए तो पहला गाना इनका रिकॉर्डिंग हुआ, मैं इनको शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले एक फिल्म हुई थी लेकिन गाना उसका अभी भी रुका हुआ है। तो आज इस फिल्म बालू घाट की रिकॉर्डिंग हुई है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है उसमें और प्रमोद जी ने बड़ा अच्छा उसमें सब काम हुआ है। गाने कुछ बाकी थे, वही गाने आज रिकॉर्डिंग हुई है वेव एंड फ्रेम में। तो मैं चाहूँगा कि प्रमोद जी खुद इस फिल्म के और इस गाने के बारे में कुछ बताएं, कि पब्लिक से बताएं, आप लोग से क्या आपका मतलब कि मंतव्य है, आप कुछ बताइए। सबसे पहले हम प्रमोद प्रेमी यादव सब भैया लोग के, मीडिया लोग के, जो भी बात श्रोता दर्शक भाई लोग के सबके प्रणाम करते नहीं। और ये फिल्म हमारे बालू घाट जो एक साल पहले हालांकि बना रहे, इधर गाना बाकी रहोगे, पर गाना आज हम पूरा कहनी और साथ में छोटे भाई आकाश सिंह जी, हम लोग दोनों आदमी इस फिल्म में है। स्टोरी बहुत ही अच्छा बनी है, फिल्म हालांकि बहुत जल्द रिलीज होगा। इसका ट्रेलर कब आएगा जी? एक महीना के अंदर इसका ट्रेलर भी रिलीज, क्योंकि गाना ही बाकी था। गाना बाकी सब तो हो गया। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर बड़े भैया दामोदर राव जी, जो बहुत भोजपुरी के प्रख्यात और बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है। भैया का बहुत प्यार दुलार मिलता है हर एक कलाकार को, बहुत मेहनत किए भी हम लोग भी, जितना बुझाया इतना हम लोग भी आकर मेहनत किए, गाए इतना का बुझाया, पूरा बुझाया है, पूरा गाए हैं तो बढ़िया है, बस आप लोगों का प्यार दुलार मिले। और इस फिल्म को पर्दे तक जाकर आप लोग जरूर देखिएगा और प्रमोद जी का हौसला बुलंद कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगले भावी सुपरस्टार यही हैं और वो सामने अब बगल में आ गया स्टारडम, धीरे धीरे वह आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। और कई सारी फिल्में इनकी, मुन्ना मवाली से लेके, उतना नाम भी हमको याद नहीं है, इतनी सारी फिल्में, राधे और चनाचोर गरम, कल एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है। भोजपुरी सिनेमा के मोस्ट अवांटेड फिल्म और सीक्वेंस दुल्हनिया चाहिए पाकिस्तान से 2 के ट्रेलर का इंतजार कई दिनों से दर्शकों के बीच था। इस फिल्म में चिंटू के अलावा सुभि शर्मा, प्रियंका पंडित सहित मोनालिसा और एक नई हीरोइन नजर आएंगे। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस फिल्म में राहुल देव भी हैं। फिल्म का ट्रेलर आज धुन म्यूजिक पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे रिलीज हुए कुछ घंटे बीते हैं और व्यूज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस फिल्म को जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। फिलहाल इस फिल्म में कहानी यह है कि चिंटू को एक पड़ोसी मुल्क की लड़की से प्यार हो जाता है,
जिसके लिए चिंटू पूरे पड़ोसी देश से दुश्मनी मोल लेते हैं और यही दुश्मनी पूरे फिल्म को एक्शन से भर देती है। तो वहीं इस फिल्म में एक से एक गाने भी हैं जिसे फिल्म के बीच बीच में आपको मन रंगीन भी हो जाएगा। चिंटू पर इस फिल्म में कई हीरोइन दिल भी दे रही हैं, लेकिन चिंटू तो अपना दिल कहीं और छोड़ चुके होते हैं। इस फिल्म में चिंटू की एक खूबसूरत भाभी भी है जिसके साथ आप चिंटू को देवर और भाभी का नोकझोंक भी और मस्ती मजाक भी करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा राहुल देव को भी कई सारी एक्शन सीन, डरावना चेहरा और डायलॉग देखने को मिलेंगे। मतलब ट्रेलर को देखकर आप ये कह सकते हैं कि मनोरंजन के सारे डोर इस फिल्म में जरूर हैं। तो वहीं अगर आप इस फिल्म के कमजोरी के पहलू की बात करें तो इस फिल्म में कई ऐसे गाने हैं जो हिंदी गाने की तर्ज पर बनाए गए हैं। तो वहीं इस फिल्म में कई डायलॉग्स में गालियाँ का भी प्रयोग किया गया है। एक्शन ट्रेलर में बहुत ज़्यादा दिखावा किया गया है, इसलिए हो सकता है कि दर्शक थोड़ा बोर भी फील कर सकते हैं। वहीं इस फिल्म की सबसे अच्छी USP साबित होगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का, क्योंकि ट्रेलर देखने में बिल्कुल थ्रिलर फिल्म जैसा है। भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव का कल बिहार के फेमस नेता लालू प्रसाद यादव के घर गए थे, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन हम आप लोगों को आज ये बताने आए हैं कि आखिर खेसारी क्यों गए थे खेसारी लाल यादव लालू के घर पे। जी हाँ, कुछ समय पहले आप लोगों को ये खबर तो मालूम ही होगी कि कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव से जुड़ी खबर सामने आई थी कि खेसारी लाल यादव 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके बाद खबरों की माने तो कहा ऐसा जा रहा था कि इस बार खेसारी लाल यादव लालू की पार्टी से टिकट की वजह से उनके घर गए थे, क्योंकि पहले ही कई बार ये खबरें वायरल होने लगी थी कि खेसारी लाल यादव RJD से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई निकलती है ये तो साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। किस अगस्त यानी कि कल भोजपुरी स्टार पवन सिंह का मुजफ्फरपुर में स्टेज शो हुआ था, जिसकी जानकारी दर्शकों को पहले से ही सोशल मीडिया के जरिए बताया गया था। लेकिन कल पवन के हुए स्टेज शो की चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी ज्यादा उम्मीद थी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर पवन सिंह अलग अलग अपने फैंस और इंडस्ट्री के साथ ही फोटो शेयर किए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस बार पवन के स्टेज शो में कितने लोगों की भीड़ उमड़ी थी। वायरल खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस बार के स्टेज शो में पवन एक बार फिर से भावुक हो गए। और अब लोगों की जाते जाते जानकारी के लिए बता दें कि 31 अगस्त को रिलीज होने वाली पवन की फिल्म बलमुआ तोहरे खातिर की तारीफ आज के समय में भोजपुरी के लगभग सभी सितारे कर रहे हैं, और लगभग हर किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके दर्शकों से पवन की इस फिल्म को देखने की अपील की है। भोजपुरी सिनेमा में सनी लियोनी के नाम से फेमस हुई सनी सिंह ने भी अपने ही अंदाज में पवन की फिल्म की जमकर तारीफ की है और वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया है। सुनिए जरा। नमस्कार, मैं सनी सिंह, आप लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, शबा खैर। आज हम बात करेंगे आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आने वाली फिल्म बलमुआ तोहरे खातिर, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है, औरतों पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। यह फिल्म रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में ऑन 31 अगस्त, बलमुआ तोहरे खातिर। ये औरतों पर बनी एक अलग तरह की फिल्म है, जिसे देखने के बाद शायद आप अपना नज़रिया बदल दें कि हाँ, ऐसी भी फिल्में बन सकती हैं। यस फ्रेंड्स, ये बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी एक फिल्म है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, और जिसके स्टार कास्ट हैं आपके पवन सिंह जी, ख्याति सिंह जी, मनोज टाइगर जी, संजय पांडे जी, अयाज खान जी, करण पांडे जी, सीमा सिंह जी, एंड नो डाउट माय वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर दिनेश यादव जी। मैं उनके साथ हमेशा काम करना चाहूँगी और ये मेरे फेवरेट डायरेक्टरों में से एक है। तो अभी अभी उनकी फिल्म आई थी नागराज, जिसमें अंजना जी, यश जी थे। तो इतनी अच्छी और सफल फिल्म उन्होंने दी है, तो आई विश कि उसी तरह बलमुआ तोहरे खातिर भी सफल हो, जिस तरह आप लोगों ने नागराज को प्यार दिया।
उसी तरह आप बलमुआ तोहरे खातिर को प्यार दीजिए और मैं सनी सिंह इसी तरह आप लोग के साथ रूबरू होती रहूंगी। नमस्कार दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी आज की भोजपुरी इंडस्ट्री की पांच बड़ी खबरें जो कि आपके स्टार उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी थी। और भाई हमने तो अपना वादा पूरा किया, यानी कि हम इस बारिश के मौसम में भी आप लोगों के लिए लेकर आ गए भोजपुरी इंडस्ट्री की पांच बड़ी खबरें आपके ही समय पर। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपना काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस प्रोग्राम पे कमेंट लाइक शेयर कीजिए और लिख के बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे और आपसे कोई भी खबर मिस ना हो जाए, क्योंकि ऐसा दोस्तों हम नहीं चाहते। अब मैं जा रही हूँ बाकी के और काम करने आपके लिए और खबरें लेकर आने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।